आपके साथ। हरियाणा में सूरजमुखी पर एमएसपी और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर बैठे किसानों की मांगे सरकार ने मान ली है। सरकार ने कहा कि किसानों की सूरजमुखी की 6400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की मांग को देखते हुए अब इसकी खरीद 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। बकाया 1400 रुपए प्रति क्विंटल सरकार भावांतर योजना के तहत देगी। इसके अलावा गुरनाम चडूनी समेत 9 किसान नेताओं को कल रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद किसानों ने कुरुक्षेत्र में हाईवे पर जश्न मनाते हुए खीर का लंगर लगाया। इसके बाद हाईवे में जाम खत्म कर दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमने एक हफ्ते तक संघर्ष किया है और आज सबके सहयोग से हमारी मांगे सरकार ने मान ली है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को अपने हाथ में लेते हुए पक्के मोर्चे का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। कुरुक्षेत्र में हाईवे पर सोमवार दोपहर 2 बजे जाम लगा था, जिसे आज रात को हटा लिया जाएगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।